नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चों की स्कूल की बुक्स और बच्चों की स्कूल की कॉपी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जारी करी है, उसकी जानकारी आज मैं आपको देने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी ओर से दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूँगी। पहली बात, हम इस महीने को विमेंस मंथ यानी कि महिला माह के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, और हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आप एक महिला है, सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हैं और आपने अपने जीवन में संघर्ष बहुत देखा है या फिर आप अभी भी संघर्ष का सामना कर रहे हैं, तो आप अपनी कहानी sabkishiksha.in@gmail.com पर हमें भेजें। आपकी कहानी हम ज़रूर पढ़ेंगे और हम 100 महिलाओं को रिकॉग्निशन देंगे सबकी शिक्षा के माध्यम से। हमारे यूट्यूब चैनल पर उन महिलाओं के नाम भी हम सभी के लिए लेकर आएंगे। दूसरी बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा आपके लिए सारा साल दाखिले संबंधित जानकारी लेकर आता है, और आप सभी से कहना चाहती हूँ कि दाखिले संबंधित सारा साल महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से अभी मैं आपको बता देती हूँ वह नोटिफिकेशन जो दिल्ली के शिक्षा विभाग यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन प्राइवेट स्कूल ब्रांच ने जारी करा है। कुछ ऐसी शिकायतें आई थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सामने कि स्कूल कहीं ना कहीं दबाव डालते हैं उन पे कि स्कूल से ही बच्चों की जो किताबें हैं वे खरीदी जाए, स्कूल से ही यूनिफॉर्म खरीदी जाए, स्कूल से ही कॉपियां खरीदी जाए, जिसकी वजह से महंगे दामों पर अभिभावकों को बच्चों की कॉपी, किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल से ही खरीदनी पड़ती और उनका खर्चा बहुत बढ़ जाता। ऐसी बहुत सारी शिकायतें जब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास गई तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने इसका हल निकाला, और पिछले साल भी इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसकी जानकारी वो पिछले साल भी लाई थी, और अभी फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया है। साफ साफ कहा है इस नोटिफिकेशन में कि स्कूल किताबों की एक लिस्ट, एक सूची, राइटिंग मटेरियल यानी कॉपियों की सूची, आने वाले शैक्षिक सत्र है उसमें जो बच्चों को चाहिए होगी वे अपनी वेबसाइट पर दे, और उन सभी जगहों पर उसका पर्चा लगाए जहां पर अभिभावक देखकर समझ पाएंगे। और साथ ही जो यूनिफॉर्म यानी स्कूल की वर्दी में भी जो स्पेसिफिकेशंस है कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, जिस तरह की स्कूल की वर्दी इस साल इस्तेमाल की जाएगी उसके बारे में भी जानकारी दे। साथ ही स्कूल के लिए अब ज़रूरी है कि वे अपने पास, स्कूल के पास कोई 5 बुक वेंडर्स यानी 5 बुक्स की किताबों के नाम दें जहाँ पर स्कूल की किताबें, कॉपियाँ और यूनिफॉर्म मिल सके। तो अभिभावकों की मर्जी होगी कि वह इन 5 बुक्स की किताबों में से जो स्कूल के पास है किसी से भी ले सकता है। स्कूल वाले उन पर दबाव नहीं डाल सकते कि वह स्कूल से ही खरीदे या फिर 5 में से इसी से ले, कोई भी 5 जो अभिभावकों को लगते हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। हालांकि अभिभावक कहीं और से भी ले सकते हैं, लेकिन 5 किताबों की दुकान के नाम, एक ही दुकान जहाँ किताबें भी मिलती हों, कॉपी मिलती हो, वर्दी भी मिलती हो, उन 5 ऐसी जगहों के नाम देना स्कूलों के लिए ज़रूरी हो गया है। साथ ही किसी भी तरीके से स्कूल वाले दबाव नहीं डाल सकते कि आप इस दुकान वाले से सामान खरीदें या इससे नहीं खरीदें या फिर हमसे खरीदें या फिर हमसे नहीं खरीदें। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का दबाव स्कूल वाले अब अभिभावकों पर नहीं डाल सकते। साथ ही जो स्कूल की वर्दी होगी यानी यूनिफॉर्म होगी, उसका जो रंग होगा, डिज़ाइन होगा या उसके जो बाकी स्पेसिफिकेशंस होंगे जो प्रिस्क्राइब करे हैं स्कूल ने बताए हैं, वह 3 तक उन्हें बदलाव नहीं लाया जा सकता। और खुद दिल्ली का शिक्षा विभाग कहता है कि ऐसा पाया गया है कुछ स्कूल्स हैं जो इस बताए डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के दिशा निर्देशों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बहुत ही कड़ा रुख करेगा और ऐसे स्कूलों को सेक्शन 24 DSEA 1973 के तहत डिफॉल्टर स्कूल की लिस्ट में भी डाला जा सकता है और आगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो जयप्रकाश जी जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, उनकी तरफ से यह बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप सभी को पता है बहुत सालों से कहीं ना कहीं यह एक बिजनेस की तरह बहुत से स्कूल चला रहे थे कि हमसे ही किताबें लीजिए, हमसे ही कॉपियां लीजिए, हमसे ही वर्दी लीजिए। अब कहीं ना कहीं उस बिजनेस को तोड़ा है, रोका है, अभिभावकों के हक में फैसला लिया गया है कि अभिभावक अपनी मर्जी से कहीं से भी किताबें, कॉपियाँ, स्कूल की वर्दी ले सकते हैं। साथ ही स्कूल वालों को भी 5 उन दुकानों का एड्रेस देने की ज़रूरत है अभिभावकों को जहां पर स्कूल की किताबें, कॉपियां और वर्दी मिलेगी, और अभिभावकों की मर्जी है कि वह स्कूल से ले, इन 5 दुकानों से ले या फिर कहीं और से ले, लेकिन किताबें, कॉपियां और वर्दी स्कूल की ही होनी चाहिए। और एक बार जो वर्दी
स्कूल की बनाई जाएगी अगले 3 साल, उसमें बदलाव नहीं लाया जाएगा। क्योंकि जब बार बार वर्दी में यूनिफॉर्म में बदलाव लाया जाता है तो हर साल अभिभावकों को नई लेनी पड़ती है, जिससे उनकी जेब पर काफी भार पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। और फिर से कहना चाहूंगी, अगर आप सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हैं, एक महिला है, तो अपने संघर्ष की कहानी हमें जरूर लिख के भेजिए। मैं आपकी कहानियाँ खुद पढ़ूंगी और 100 कहानियों को सबकी शिक्षा के माध्यम से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉग्निशन मिलेगी। और मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।